आईपीएल के नए सीजन का आगाज शनिवार को डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई और बेंगलोर के बीच मुकाबले के साथ हो गया। पहले मुकाबले में चेन्नई ने चैंपियन की तरह खेल दिखाते हुए 7 विकेट से जीत दर्ज कर सीजन का आगाज किया। अब सीजन का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। 2 बार की चैंपियन कोलकाता को उसके घर पर मात देना आसान नहीं है, लेकिन पिछले सीजन की उप विजेता सनराइजर्स नाइट राइडर्स को चुनौती देने की पुरजोर कोशिश करेगी। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें 9 में केकेआर और 6 में सनराइजर्स विजयी रही है। पिछले सीजन दोनों टीमों ने लीग दौर में खेले गए मुकाबलों में जीत हासिल की थी। दोनों के बीच तीसरी बार भिड़ंत प्लेऑफ दौर के दूसरे क्वालिफायर मैच में हुई, जहां दिनेश कार्तिक की कप्तानी वाली टीम को मात देकर केन विलियमसन की हैदराबाद ने फाइनल मुकाबले में कदम रखा था। उस मुकाबले में सनराइजर्स ने 7 विकेट पर 174 रन का स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में कोलकाता 9 विकेट पर 160 रन बना सकी थी। अफगानी लेग स्पिनर राशिद खान सनराइजर्स के लिए मैच विनर साबित हुए थे। उन्होंने 10 गेंद में नाबाद 34 रन की पारी खेली थी। इसके बाद गेंदबाजी करते हुए रॉबिन उथप्पा, क्रिस लिन और आंद्रे रसेल के विकेट झटके थे। ये एक खिलाड़ी दोनों टीमों के बीच हार और जीत का अंतर साबित हुआ था। ऐसे में एक बार फिर दोनों टीमों के बीच रोचक मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है। दोनों टीमों के पास अच्छी लाइनअप है। केकेआर के असिस्टेंट कोच साइमन कैटिच ने तो अपनी टीम के बल्लेबाजी क्रम को सर्वश्रेष्ठ बताया है। अब मुकाबले का नतीजा क्या होता है ये तो मैच के बाद ही मालूम होगा, लेकिन आंकड़ों के लिहाज से केकेआर का पलड़ा ज्यादा भारी है। तो दोस्तों, आप लोग भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रिक आकाश को और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।